गिरनार के जंगल में बंदरों की एक टोली के बंदर इधर उधर कूद फांद रहे थे। एक बंदरिया अपने साथ अपने छोटे से बच्चे को चिपकाए हुए इधर उधर भोजन तलाश रही थी। इसी बीच एक भयंकर बाघ ने हमला कर दिया। सारे बंदर इधर उधर भागने लगे। इसी भाग दौड़ में बंदरिया का बच्चा डर कर नीचे गिर गया। बाघ उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा, बंदरिया बीच में आकर उससे लड़ पड़ी। ये तो अच्छा हुआ जो तू बीच में आ गई। इस छोटे से बच्चे से मेरी भूख कहाँ मिटने वाली थी। इतना कहकर बाघ बंदरिया पर टूट पड़ा। बंदरिया भी उससे लड़ गई। बंदरिया का छोटा बच्चा माँ के ऊपर खतरा देखकर बाघ के ऊपर पीछे से वार करने लगा। बाघ को गुस्सा आ गया। उसने घूमकर दोनों पंजों से बंदर के बच्चे पर वार कर दिया। बंदर के बच्चे के दोनों पैर घायल हो गए। जब बंदरिया ने अपने बच्चे का यह हाल देखा तो वह दौड़ कर आई और उसने बाघ को बड़े गुस्से में आकर मुंह से काट लिया और भाग निकली। बाघ उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ एक दूसरे बंदर ने घायल बंदर के बच्चे को उठा लिया। बाघ ने बंदरिया को दबोच लिया। कई भालू बंदरिया को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बहुत से भालुओं के आक्रमण को देखकर बाघ उसे छोड़कर भाग गया। इसके बाद सबका ध्यान बंदरिया की तरफ गया तो वह मृत जमीन पर पड़ी थी। बहुत दर्दनाक मंजर था। एक तरफ माँ की मौत और दूसरी तरफ उसका घायल अनाथ बच्चा बेसहारा हो गया था। कुछ देर के बाद सभी बंदर और भालू वहाँ से चले गए। बंदर का बच्चा घायल अवस्था में अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगा। उसने उठकर माँ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गया। उसके दोनों पांव बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वह अनाथ होने के साथ साथ अपाहिज भी बन गया। अपनी बेबसी पर उसे रोने के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। एक लाल तोता पास के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने देखा अकेला बंदर का बच्चा असहाय अवस्था में बैठा हुआ था। वह बच्चे के पास पहुंच गया। बच्चे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ नहीं रही, उसे बाघ ने मार दिया, मुझे भी घायल कर दिया। बच्चे एक काम करो, पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ, यहाँ नीचे खतरा है। मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे यहीं नीचे रुकना होगा। अब मैं जी कर क्या करूँगा, माँ नहीं रही, मैं अपाहिज बन गया, मेरी जिंदगी का भी कोई अर्थ नहीं है। अब तो कोई जानवर मुझे शिकार बना ले तो ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, अपनी जिंदगी से हार मत मानो। जिंदगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान ले रही है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोली है, क्या मैं आपको काका कहकर बुला सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, मुझे काका, चाचा, दादा कुछ भी कहकर बुला सकते हो। ठीक है काका। बेटा कुछ देर यहीं रुको, मैं आता हूँ। लाल तोता कुछ ही देर में हाथी राजा के साथ आ गया और उसने कुछ दवाई गोली के घाव पर लगा दी। उसे अमरूद भी खिलाया। इसके बाद हाथी राजा ने अपनी सूंड के सहारे उसे पेड़ की डाल पर सुरक्षित बैठा दिया। गोली, अब सब ठीक है ना? पेड़ की डाल पर सुरक्षित हो, नीचे मत उतरना। ये तुम्हारे हाथी काका है, हम दोनों फिर आएंगे, तुम्हारे खाने पीने का हम पूरा ध्यान रखेंगे। जब तक तुम्हारा पैर ठीक ना हो जाए तब तक अपने आप नीचे नहीं उतरोगे, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, कुछ दिनों तक तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना होगा। ठीक है काका। तुम्हें खाने में जो भी पसंद हो मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। क्या तुम्हें आम पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तोता काका प्रतिदिन अच्छे अच्छे फल लाकर गोली को खिलाने लगा और साथ ही साथ उसके दोनों पैरों का इलाज भी करने लगा। धीरे धीरे गोली थोड़ा बहुत चल लेता था। लाल तोता का पूरा प्रयास था कि गोली ढंग से चलने फिरने लगे। गोली दूसरे बंदरों को कूदते फांदते देखकर बहुत दुखी होता था। तोता काका, क्या मैं भी इन लोगों की तरह पेड़ पर चढ़कर उतर पाऊंगा या इसी तरह पेड़ की डाल पर ही बैठा रह जाऊंगा? चिंता मत करो बेटा, धीरे धीरे तुम्हारे पैरों में जान आ जाएगी
और तुम भी दूसरे बंदरों की तरह आराम से कूद फान सकोगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चलोगे, भागोगे और पेड़ पर चढ़ जाओगे। काका, क्या ऐसा दिन आएगा? जरूर आएगा मेरे बच्चे। उनके घर देर है, अंधेर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हौसले का दामन मत छोड़ना। लाल तोता के कहे अनुसार गोली थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा था। वह कभी कभार गिर जाता था, लेकिन फिर उठकर चलने लगता था। लाल तोता बार बार उसका हौसला बढ़ाता था। समय बीतता गया। एक दिन गोली नीचे कुछ बंदर के बच्चों के साथ बैठकर कुछ गपशप लड़ा रहा था। अचानक वही जालिम बाघ वहां आ गया। बंदर के सभी बच्चे भागने लगे। लाल तोता भी वहां पहुंच गया था। गोली, जल्दी से उठकर पेड़ की तरफ भागो। गोली उठा और आगे बढ़ा। अचानक उसके पैरों में जैसे चमत्कारी ताकत आ गई। वह भागने लगा। बाघ उसके पीछे दौड़ रहा था। पेड़ थोड़ी दूरी पर था, फिर भी गोली ने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। वह उठा और डर गया। उसने पीछे देखा तो बाघ एक गड्ढे में गिर गया था। गोली फिर तेजी से दौड़ा और देखते ही देखते पेड़ पर चढ़ गया। उसे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। शाबाश गोली, तुम तो बंदूक की गोली की तरह दौड़े हो। बाघ तो मुंह देखता ही रह गया। क्यों रे बाघ, तू चार पैरों से भी दौड़कर हार गया और मेरा गोली तो दो पैरों की ताकत पर दौड़कर बाजी मार गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। इतने में धपाक की जोर आवाज आई और बाघ नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाथी राजा खड़े हुए थे। उन्होंने फिर से सूंड से 3-4 जोरदार प्रहार किए और बाघ को ढेर कर दिया। लाल तोता और गोली बहुत खुश हो गए। गोली की माँ का हत्यारा आज बेमौत मारा गया। गोली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की बड़ी कृपा हो गई। काका, मेरी जात के कई बंदर और बंदरिया यहाँ हैं, लेकिन किसी ने मेरी परवरिश का जिम्मा नहीं लिया। आप एक पंछी होकर मेरे पालनहार बन गए। मैं इस मामले में सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूँ। हाथी काका ने मेरी जान बचाई, दुश्मन को मार गिराया। मैं सारी जिंदगी आप लोगों का आभारी रहूंगा। मुझ जैसे अपाहिज को आपने चलना सिखा दिया, मेरे सर पर अपना हाथ रखकर आगे बढ़ना सिखा दिया। लाल तोता प्यार से गोली के पास आकर बैठ गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जंगल में एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर इधर उधर उछल रहा था। सोना बेटा, उधर मत जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। ठीक है माँ। बिल से आवाज कैसी आ रही है? मैं अभी देखता हूँ। नहीं नहीं, आगे मत जाओ। सोना माना नहीं, वो बिल के पास चला गया। बिल के अंदर एक भयानक सर्प को देखकर वो डर गया। माँ, यह देखो लंबा सा जानवर, इसके मुंह में 2 जीभ हैं, काटने आ रहा है। बेटा पीछे आ जाओ, वह सांप है, तुम्हें काट लेगा। बंदरिया माँ ने झपट कर सोना बेटे को पीछे खींच लिया और उसी समय सांप आगे आ गया। बंदरिया माँ ने अपने बच्चे को सांप से बचाने के लिए पीछे कर दिया। उसका ध्यान बच्चे की तरफ था। ठीक उसी समय सांप ने उसे ही डस लिया। वो भय और दर्द से कराह उठी। सांप भाग गया और माँ बेचारी जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसे अपनी मौत से ज्यादा अपने बेटे सोना के अकेले हो जाने का भय सताने लगा। यही बात उसके दिल को बार बार कचोट रही थी। सोना बोला, माँ तुम क्यों रो रही हो? सांप ने तुम्हें काट लिया, मैं उसे मार दूंगा, तुम चुप हो जाओ। माँ बोली, मेरे प्यारे बेटे, इस बिल से हमेशा दूर रहना। मैं अब बच नहीं पाऊंगी। तुम अपने लोगों के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना। बड़े लोग जैसा समझाएंगे उनकी बात मानकर चलना। जंगल में बहुत खतरे रहते हैं बेटा। माँ ये क्यों कह रही हो कि बच नहीं पाओगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो उठो मेरे साथ चलो, वह सांप फिर आकर काट सकता है, मैं उसे डंडे से मारूंगा। बेटा यहाँ से चले जाओ, अपना ख्याल। बंदरिया माँ ने
अपनी बात पूरी भी नहीं की और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बेटा सोना उससे लिपट कर रोने लगा। माँ चुप क्यों हो गई? सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, तुम्हारे मौत का कारण भी मैं हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। हे भगवान, मुझे मार दो, मेरी माँ को जिंदा कर दो। कुछ बंदर कुछ भालू वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने सोना को समझाने की बड़ी कोशिश की। वो अपने साथ उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगे, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। माँ को भी मेरे साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। भालू बोला, बेटा माँ का अलग इलाज होगा, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी बात पर सोना ने सिर झुका लिया और उनके साथ भारी मन के साथ वहां से चल पड़ा। सोना बंदरों की टोली में पहुंच चुका था। वो देख रहा था कि दूसरी बंदरियां माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से संभाल रही थी और खिला रही थी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। एक आदमी एक बड़े से थैले में बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आ गया। सारे बंदर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वो पैकेट बांटने लगा। बंदरों के अंदर पैकेट लूटने की होड़ मच गई। बड़े बंदर बंदरियां पैकेट लेते जा रहे थे। सोना उस भीड़ में खो सा गया था। बंदरियां माँ पैकेट लेकर अपने बच्चों को खिला रही थी और स्वयं खा रही थी। सोना के हाथ में कोई पैकेट नहीं था। वो लाचार स्थिति में सबको देख रहा था। उसे कोई खिलाने के लिए नहीं आया। वो अकेले बैठकर आंसू बहा रहा था। सच कहें तो वो अपनी माँ को याद कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज अगर माँ जिंदा होती तो पैकेट लाकर उसे भी खिला देती। बंदरों की भीड़ जब वहां से हट गई तब सोना इधर उधर देखने लगा। बंदरों के छीना झपटी के कारण जमीन पर गिरी हुई कुछ खाने की वस्तुएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया था और वो उन्हें उठाकर खाने लगा। एक भालू उसके पास चली आई। वो समझ गई थी कि सोना को बहुत भूख लगी है। सोना, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम अपने आंसू पोंछ लो, आओ मेरा दूध पी लो। इतना कहकर भालू ने सोना को अपने पास ले लिया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर में भालू का बच्चा राजा आ गया और उसने इस बात पर अपना एतराज जताया। माँ, तुम इस बंदर के बच्चे को दूध क्यों पिला रही हो? बेटा, यह भी तुम्हारा भाई है, इसे बहुत भूख लगी है। राजा बोला, ये बंदर का बच्चा है, मेरा भाई नहीं है। ए बंदर के बच्चे, चल भाग जा यहाँ से, ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। बेटा, इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अगर इसे हमने भी धुतकार दिया तो यह कहाँ जाएगा? कुछ देर पहले जब सारे बंदर खाने के पैकेट खा रहे थे तब इस बेचारों को किसी ने नहीं पूछा। यह सोना भूखा प्यासा सब का मुँह देख रहा था। इसकी माँ नहीं है, इसे बड़ा दुख होता होगा। कोई बात नहीं, आज से हम दोनों भाई भाई। माँ, इसे दूध पिला दो, भूख लगी होगी। आओ सोना मेरे भाई, दूध पी लो। सोना बोला, आओ भैया तुम भी पी लो। राजा और सोना में दोस्ती हो गई। वो साथ साथ रहते, खेलते और घूमते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने प्यास लगने पर नदी का पानी पिया और किनारे पर पानी का मजा लेने लगे। राजा पानी में उतर गया। सोना, तुम भी आ जाओ, पानी में मजा आ रहा है। सोना बोला, राजा पानी का बहाव तेज है, आगे मत जाना, पानी गहरा होगा। इसी बीच राजा का पैर फिसल गया और वो गहराई की तरफ चला गया। वो डूबने लगा। वो किनारे पर सोना की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव उसे और आगे ले जा रहा था। सोना भी राजा को देखते हुए किनारे किनारे भाग रहा था। इसके बाद किनारे पर एक पेड़ आ गया और उसकी जड़ पकड़कर सोना पानी में उतर गया। राजा भाई, मेरी पूंछ पकड़ लो। राजा ने पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हाथ से फिसल गई। सोना पानी में तैरते हुए और आगे बढ़ गया। वो अपनी पूंछ राजा की तरफ बढ़ा रहा था। राजा ने उसकी पूंछ की जगह उसका पिछला एक पैर पकड़ लिया। सोना को तैरने में दिक्कत होने लगी। भैया, मेरा पैर छोड़ो और पूंछ पकड़ो, वरना हम दोनों ही डूब जाएंगे। पूंछ पकड़ लो भैया। सोना ने पैर जोर से हिलाया और अपनी पूंछ को राजा के हाथों की तरफ बढ़ाया। राजा के हाथों में पूंछ आ गई
और सोना तेजी से किनारे की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद वो किनारे पर पहुंच गया और उसने फिर राजा भाई को जैसे ही खींचा कि एक लकड़बग्घा किनारे पर आ गया। अरे वाह, एक के बदले दो मिल रहे हैं, मेरी किस्मत के फूल खिल रहे हैं, अब आएगा असली मजा। सोना बोला, आप मुझे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। मेरे भाई राजा को छोड़ दो, उसका परिवार है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, राजा को जाने दो, मुझे खा लो। नहीं नहीं, मेरे सोना भैया को मत छूना, मुझे खा लो। सोना बोला, नहीं नहीं, मुझे खा लो, मेरे रहते हुए मेरे सोना को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सोना बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा कभी मत कहना कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। ए लकड़बग्घे रुक जा, अभी तेरा काम तमाम करती हूँ। बच्चों को डरा रहा था? इतना कहकर भालू माँ ने लकड़बग्घे की पिटाई शुरू कर दी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगा। भालू माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। माँ, आज मैं डूब रहा था, सोना भैया ने मुझे बचा लिया। मेरा सोना भैया इस दुनिया का सबसे प्यारा भैया है। भालू माँ ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और ममता और प्यार की बरसात होने लगी। उस दिन से राजा, सोना और भालू माँ एक साथ प्यार से रहने लगे।